मेरा खाना आ चुका है तो मुझे पता नहीं वो बहुत अच्छी चीज़ बता रही थी, मेरे तो कान ही बोले हो गए, मुझे कुछ नहीं रहा था। तो मैंने उसे पूछा जो मेरे सबसे डिलीशियस वाला है ना वो मुझे दो, तो ये चिकन है कुछ समथिंग, खोल के देखती हूँ क्या है। और बेवरेजेस में उसने पूछा जूस लेना है या ड्रिंक, मैंने कहा भाई ड्रिंक दे दो भाई। और ये मीठा है, ये क्या है पता नहीं, खोलती हूँ तो पता लगेगा। सो मेरे पास है एक अदद नैपकिन, कुछ कटलरी, और ये चावल है, साथ चिकन करी है, और ये बन है, और ये तो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है। ये किसी किस्म का सैलड है, और ये पुडिंग होगी यकीनन। पानी है, साथ में टॉवल है बाद में हाथ साफ करने के लिए, और क्या था। और हाँ, इन्होंने ये दिया था पहले ब्लैंकेट, वो मैंने ओढ़ लिया है, ये मैंने बैग बढ़ा के साथ भी ले जाना है। एक्चुअली इस फ्लाइट की सबसे अच्छी बात जो है ना वो ये है कि मेरे साथ वाली सीट बिल्कुल खाली है, और मुझे ना बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ना साथ सीट खाली होने की वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मैं दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरी जो आगे की फ्लाइट है ना, जो नेक्स्ट फ्लाइट है, वो भी साथ वाली सीट खाली हो। तो खाना गर्म गर्म मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भूख भी लगी हुई है। मैंने दोपहर को खाया था 1 बजे खाना, और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं खाया, एक चॉकलेट खाई थी, भूख लगी खाना खाती हूँ। भाई तो बिल्कुल मेरा कुछ नज़र नहीं आया, मैं सोच लाइट्स वगैरह हो, थोड़ी वीडियो शीडियो बनाऊँ मैं। खाना बहुत ही बकवास था, चावल बिल्कुल मज़े के नहीं, और करी तो बिल्कुल भी मज़े के नहीं है, फीका और अजीब सा। यस है तो सैलड, बट आई कांट आइडेंटिफाई कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है। गाजर और छली तो मुझे समझ आ रही है, बाकी चिया सीड्स हैं, और पता नहीं ये क्या है, और कुछ समझ से बाहर है, मज़े का नहीं है, ऐसे फीका सा, अजीब सा, टेस्टलेस सा। एक चीज़ जो मज़े की उनका मीठा, इसका नाम भूल गया ये है क्या, और ये वो जो डिनर रोल था ना उसके साथ मैंने इसको खा लिया, ये ख़त्म कर लूँगी मैं, वैसे कि यही अच्छा लगा मुझे, और कुछ भी नहीं यहाँ पे मज़े का। इतना भी आसान नहीं है ब्लॉगिंग करना यार, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। मेरे अब्बा जी ने मुझे स्वेट शर्ट के नीचे से एक शर्ट पहनाई है, और ये इतना मोटा ट्राउजर पहना, उसके नीचे से एक और ट्राउजर पहनाया। उन्होंने मुझे मानचेस्टर के लिए तैयार किया, उनको कह भी रही थी कि दो हाँ में गर्मी होनी है, गर्मी होनी है, इट्स 34 नाउ सेल्सियस, और मेरी बैंड बज गई, और है इतना दूर हाइला, तो चल चल के थक गई हूँ। मैंने तो एक बंदे से पूछा था, उसके मैंने कहा ये ना मैं आगे निकल जाऊँ, मुझे वापस आना पड़े पीछे, क्या रास्ते ही जा रही है बहन तुरती रहे। मैंने इतने लोगों से पूछा आपकी फ़्लाइट कहाँ की कहाँ की, कोई पेरिस जा रहा है, कोई स्पेन जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई टोरंटो जा रहा है, कोई मैनचेस्टर नहीं जा रहा। मैंने उसके पीछे लग के मैं निकल जाती, मेरे आगे आगे एक बच्चे हैं, फैमिली है, वो प्लेन में मेरे आगे बैठे हुए थे, तो वो अपनी माँ को कहते हैं व्हाई शी हैज सो मच स्टफ लाइक फोन एंड सेल्फी स्टिक एंड अदर स्टफ, उसकी माँ कहती है कि भाई ये कमली है इसी वजह से,
ये अलग भूल भुलैया वाला सिस्टम करते हैं ना भाई, हम कौन सा बजे वाला खेल खेल रहे हैं, तुम्हारा अटैची वाले से संभाला नहीं जा रहा और तुम लोग ऐसे करो। बट मैंने अपने साइज से बड़े जूते पहने हुए हैं क्योंकि बैग में पूरे नहीं आ रहे थे। अजीब अनकम्फर्टेबल हूँ मैं आज। आफ्टर सो मच सवारी मुझे ये पता लग गया है कि गेट नंबर 83 है मेरा, और मैं बिल्कुल लुई वुइटन स्टोर के सामने खड़ी हूँ। क्या कहते हैं, अंदर जाऊँ? टाइम जाया करने का कोई शौक नहीं है। उसने मुझे रास्ता तो बताया, मेरे समझ में मेरे को कोई नहीं आई क्योंकि उसने कहा यहाँ से ऊपर जाओ साइड जाओ, गाड़ी पकड़ो, ये करो वो करो। मैंने कहा अच्छा हाँ हाँ, मुझे समझ नहीं आई। लेकिन चलो चलती हूँ, थोड़ा थोड़ा चलती हूँ, आगे आगे जाऊँगी, पूछते जाऊँगी। यहाँ पे मतलब जगह जगह पे ना लोग खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए, इसलिए आप भटक ना जाओगे। मेरे पास टाइम थोड़ा है तो जाना चाहिए, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। पता नहीं यहाँ पे मैंने खड़े तस्वीर भी आनी थी, लेकिन मैंने वो कहा है। मैं पहले अपना गेट ढूंढ लूँ, फिर मैं वापस आ जाऊँगी। मैं हिंदी रोशनियों का शहर, मैं बार बार ग्लासेस लगा रही हूँ, नज़र नहीं आ रहा दूर दूर क्या लिखा हूँ यार, नहीं याद आ रहा A3 कहाँ कहाँ था उसने, मैं घूमी ना हो तो पूछ लेती हूँ। इन जाना ये एयरपोर्ट बड़े मजे का, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं बहुत थोड़ा है। मैं जब ट्रेन वाले से जाएंगे, मुझे दो लड़कियाँ मिली हैं, मैंने पूछा उर्दू बोल रही हूँ, कहते हैं आपने कहती है वहाँ चलने वाले का सब उड़ना, कोई तो मिला मुझे अपना गेट कन्फर्म लिखा, बोर्डिंग पास में लिखा हुआ, वहाँ पर स्कैन करो ना तो आ जाता है। गर्मी बहुत लग रही है और पुरानी चलने वाली है बुलेट ट्रेन, लेट्स जस्ट गो। ये तो उल्टी चल पड़ी, सीधा चलना था, उल्टा चल रही है। This is for you, baby. I don't know ये बुगाटी है कौन सी है, लेकिन तुम्हारी शायद पसंद आई जाए, कलर तुम्हारा फेवरेट है, अगली वाली पता नहीं कौन सी है। लेकिन मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अपने गेट पर भागना वापस। This one is also for you. पता नहीं अब तुम्हें ये पसंद आएगी या नहीं आएगी, बट ये भी ले लो, तुम देख लो बड़ी वैरायटी है यहाँ पे, बट टाइम मेरे पास बहुत थोड़ा है एक्सप्लोर करने के लिए। एयरपोर्ट पे ऐसे घूम रही, जैसे घूमी हुई गाय नहीं घूम रही होती जिसको पंजाब में कहते हैं गवाची गाँ, और मैं नहीं, मेरे जैसे ना यहाँ पे लख लो बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, अन्य वाह कहना टकरे मारते हुए मजा आ रहा है। जल करीब नज़र आ रही है, चल विक तौर पैगा वजी ना कैसे बिच। एक फ्लाइट सर्दी से, दरमियान में गर्मी आ गई, जाना भी सर्दी में, मेरे को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। देखा ना कपड़े उतार घूमने वाले, पर शर्ट पहनी नीचे, मैंने दो पजामे पहने वाले। लोग यहाँ पे स्लीप लेस घूम रहे हैं और कच्छों में घूम रहे हैं, मैंने कहा सही जा रहे हो भाई सही जा, मैंने ये उतार दिया, मैं ये रखूँगी कहाँ, मेरी तो एक जैकेट संभालने जा रही है। इतनी गर्मी लग रही है मुझे यार, इनको एसी चला देना चाहिए। मैंने उतार दिया प्रॉब्ली, शायद थोड़ा सुकून हुआ है मुझे। खैर लेकिन अभी मुझे मेरा इतना दरकार है कि मैंने वो बालों के पास खड़े होकर तस्वीर बनानी थी, बट उसका मुझे टाइम नहीं मिला, अफसोस भी हो रहा है। लेकिन मुझे अभी किसी ने कहा जाओ भाग के जाके थोड़े गेट से करीब ही चली जाओ, लेकिन मुझे डर है उनके 10 मिनट बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं जाऊँगी ना जाऊँ, 20 मिनट रहते हैं मेरी फ्लाइट को, चलिए जाऊँ, मौका बार बार नहीं मिलता। मैंने ये फैसला किया मैं अभी नहीं जा रही, मैंने इन दोनों खवातीन को कहा कि मेरे साथ चलें, बट ये कहती हमने नहीं जाना, हम थक गए हैं तो भाग भाग के जाना पड़ेगा, भाग भाग के आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर कभी मौका मिला ज़िंदगी में तो देख लेंगे वो भालू भी। लेकिन यार मसला ये ना, टाइम थोड़ा था तो मैं जाना नहीं चाह रही हूँ, मैं गई थी पहले भी तो उन्होंने कहा था कि आप जा रही हैं तो अपना सामान लेके जाएँ, इस सामान नहीं छोड़ के जाएँ। अच्छा बहन हालांकि बीच में रुक रुक के आई हूँ, अगर मुझे पता होता ना भालू के आस पास ही है तो मैं घूम के आती हूँ उसके पास से। बट मैंने कहा पहले मैं गेट देखूँ, मैं गेट देखा और मैं अंदर ही आ गई डायरेक्ट, मुझे पता लगा जो काउंटर पे लड़की थी ना, जब मैं जैसे मैं आ रही तो मुझे देख के इतना हंसी मुझे बोलती है थक गई हूँ, मैं बहुत थकी, मैं तो बचपन से बता ही थकी हुई हूँ। मतलब मैं कह रही हूँ जो भी मुझे मिल रहा है, जो भी मुझे जाना देख रहा है, बड़ा फ्रेंडली मेरे साथ बात कर रहा है, तो जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं लग रहा मेरा फर्स्ट टाइम है, और ये तो और भी अच्छी बात है। फाइनली मैं आ गई, मैंने कहा यार चले जाते हैं, मुझे ना वो लड़की कहती जा आशल तू जा, हाँ मेरे को तस्वीर बना देगा फिर जिसके लिए मैं आई हूँ। कोई गर्मी लग गई, मैंने शर्ट वापस से पहन ली है, यहाँ पे भी आ गई जहाँ पे आना चाहिए था, और मैं वापस जा रही हूँ भाग के अपने गेट की तरफ, क्योंकि 10 मिनट थे सिर्फ, और मैं इसमें से बहुत करीबी था यार, मुझे मुझे लड़का सही कह रहा था तुम्हें जाना चाहिए। दिस इज़ दी स्पेशलिटी ऑफ दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कई लोगों से मैंने पूछा लैम्प बियर कहाँ कहते हैं, क्या ना लैम्प बियर, मैंने कहा भाई लैम्प बियर के ऊपर लैम्प जो पड़ा, अच्छा मुझे भागना है। और देखने गई थी ना बियर लैम्प, उसका नाम है बियर लैम्प, उसको अगर आप सर्च भी करो ना यूट्यूब पे गूगल पे तो उसको बियर लैम्प कहते हैं। तो कतर रेस पे ना बहुत सारे ब्लैक काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने खुद देखे हैं ब्लैक ही ब्लैक ज़्यादा, तो उनमें 4-5 से मैंने पूछा कि बियर लैम्प किस साइड पर है, तो उन्होंने कहा बियर लैम्प क्या, मैंने कहा दोहा इंटरनेशनल की स्पेशलिटी है, वो क्या होता है, फिर मैंने देखा अच्छा येलो डॉल, मुझे ऐसे आगे मैंने कहा येलो और डॉल है, वो येलो कलर था लेकिन वो डॉल तो नहीं है, वो बियर है, उसके सिर पे इतना बड़ा लैंप लगा हुआ है भाई। लेकिन मैंने कहा यार इतने सालों से काम कर रहे होंगे इनको ये नहीं पता। मुझे समझ में नहीं आई कि अभी
लाइट्स हैं या वाकई रोशनी हो गई है। डेढ़ हुआ है दुकान में और मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की ना रोशनियाँ शुरू हो गई है भाई। मुझे लग रहा है वाकई ऐसा हो गया, नहीं लग रहा हो गई है रोशनी। बड़ी मैं मुश्किल से पहुँची हूँ यहाँ पे अपनी सीट तक और इतनी मुश्किल से अपना हैंडल उठा के ऊपर रखा है। दो लोगों ने खांसी की, उन्होंने फटाफट जो है ना किट दे दी, जिसके अंदर मास्क है, सैनिटाइजर है और ग्लव्स हैं पहनो ताकि अगले बंदों की मदद ना करूँ। अब खाना पीना चलता ही रहना है तो इन्होंने ऑप्शन था कि स्वीट पोटैटो सैंडविचेस और टर्की सैंडविचेस, तो आई प्रेफर टर्की सैंडविचेस। और मैंने एप्पल जूस लिया, ये मज़े का एप्पल जूस लिया, पता नहीं इनके नेक्स्ट ठंडे बहुत ज़्यादा है, मुझे तो छीके आगे मेरा बुरा हाल हो गया। मुझे लगता है प्लेन में ना चार पाँच तो पक्का कोविड वाले मरीजों ने छींक छींक के पूरे प्लेन में मैंने फटाफट जो है ना हमें किट्स दे दी हैं पहनो इन्हें बहुत हो जाता है। मैं तो वो भी की लैंडिंग हो गई है मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे और यहाँ पे -3 टेम्परेचर है, 34 से -3 और काफ़ी ठंडा। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ अपने टर्मिनल पे कि इमिग्रेशन क्लियर करने जो कि सबसे मुश्किल काम है, अल्लाह खैर करे उसमें भी हो जाएगा सब कुछ। फ्लाइट्स बहुत स्मूथ थी और इतना लोगों ने जो ड्राइवर था टेक ऑफ इतना होगा, लैंडिंग इतनी अजीब सी होगी, कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सा भी कुछ नहीं हुआ, बड़ा स्मूथ था सब कुछ। और मज़े की बताती हूँ कि मैंने फ्लाइट में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डेड थी और वहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा था फ़ोन, और पावर बैंक मेरा ख़त्म हो गया। तो क्रू बहुत अच्छा था, फ्लाइट अटेंडेंट्स बहुत नाइस, बहुत ही नाइस थी। और जाना कतर से इस्लामाबाद से दोहा का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन दोहा से मैनचेस्टर का खाना बहुत अच्छा था। पहले इन्होंने हमें सैंडविचेस पूछे, कहा कि आपने जो है ना शकरकंदी वाले खाने हैं कि टर्की वाले खाने। मैंने कहा टर्की हिला रहा था टर्की दे दो। फिर मैं सो गई तो ना 2-3 घंटे सोई होंगी तो हर एक को आके उठा रहे, एक्सक्यूज़ मी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ मैंने कहा इसलिए उठा रहे ना कि घर जाके अपनी अम्मी को फोन करके खाना बताया, रोटी नहीं दी बाजी ने। तो उन्होंने कहा हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहेंगे। मैंने कहा पैन जो हला हला दे दे, इतनी मुझे नहीं चाहिए थी उस वक्त, मैं थोड़ा बहुत खाया, अच्छा था ना ब्रेकफास्ट। उसमें फ्रूट्स थे, दही था, ब्रेड थी, जैम था और स्क्रैम्बल्ड एग थे और हॉट डॉग था और क्या था, हाँ और शोरबा था, क्या होता टमाटरों का, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी बहुत सब कुछ अच्छा था। जिन्होंने लेने आना है उनको मैंने बता दिया कि मैं लैंड फरमा चुकी हूँ, मुझे लेने के लिए आ जाएँ, आप खुद हार लें। तो उन्होंने कहा वेलकम टू यूके, थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं, पहले अपना वेलकम करवाती हूँ, लगेज वगैरह लेती हूँ, करते हैं कुछ, इंशाल्लाह तो हो जाएगा। ये तो एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा लंबी लाइन है, और पैर तो मैंने हैंड कैरी बीच में कहता ना मैं नहीं चल रहा, बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है 1.5 घंटा लगेगा यहाँ पर खड़े खड़े क्रॉसिंग में, बहुत सारे लोग खड़े हैं, मोर देन 50-60 पीपल। कोई बात नहीं, अभी तो सुबह सुबह ज़्यादा सवाल ना करें तो जाने दें, जल्दी जल्दी काम हो सकता है। फाइनली इमिग्रेशन क्लियर हो गया, मैंने से तो बहुत डरे डरे से सवाल पूछे लेकिन मैंने सबको जवाब दे दिए और मुझे पासपोर्ट मिल गया है और अब यहाँ से अपना बस्ता उठाना है, आ जाएगा तो फाइनली इन द कार आई एम इन द यूके राइट नाउ। ओह माय गॉड, मैंने आया मुझे कह रहे थे कि बस अब आप यूके की हैं, अब आप वापस नहीं जाएंगी, तो अब घर जाते हैं। मेरा तो फोन बिल्कुल डर जाने वाला है, बताते हैं सबको कि पहुँच गई हूँ। से मुझे बहुत सवाल पूछे इमिग्रेशन वालों ने उल्टे पुलटे, लेकिन हो गया सब कुछ क्लियर, बैग मेरा घूम हो गया मुझे लगा, लेकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मिल गया घर, बता दिया आपने। दिस इज द यूके, बर्फ पड़ी हुई कोरा जिसको हम कहते हैं, नहीं मैं पराठा ही लूँगी। नाश्ता किया अच्छा सा और अब हम यहाँ से मैनचेस्टर उतरी थी, मैंने मैनचेस्टर में नाश्ता किया है, जो मुझे लेने आए थे ये मुझे छोड़ने जा रही हैं ब्रैडफोर्ड, क्योंकि मेरी स्टे जो है ना ब्रैडफोर्ड में, और इनके दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे हैं। और एक बच्चा ना पाकिस्तान में था जब लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए, तो जब उन्होंने बताया ना ये पाकिस्तान से आए, उससे मुझे इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना लॉन्ग हक दिया ना, जब मुझे इतना अच्छा लगा कि मिल के इस बच्चे तो अभी हम जा रहे हैं ब्रैडफोर्ड इनकी फैमिली के साथ, सर्दी बहुत ज़्यादा है। हाय टू माय व्लॉग, से हाय। माइनस में है, इवन फ्लाइट में जब थी तो वो ये बता रहे थे कि -3 टेम्परेचर है, तो जब हम उधर हमारे घर में भी मतलब आज सुबह माइनस में था, क्योंकि आज थोड़ी ठंडी हुई भी है, पिछले दिनों में जो है वो ठीक हो गया था टेम्परेचर ना, लेकिन ये भी स्नो फाइनली रीच, ये मुझे बिल्कुल मरी वाली फीलिंग दे रहा है, हाय ठंड बहुत है, मेरे तो हाथ जम रहे हैं, बहुत ठंड है, ठंड बहुत ज़्यादा, लेकिन ना मज़े का मौसम है। फोन मैंने ऊपर चार्जर लगाया हुआ था और जब खाना खाने लगी मैंने कहा ये तो लाजमी रिकॉर्ड करना है, इतना कुछ है, पोटैटोज, मीट राइस, अचार गोश्त और क्या था
सबसे मजे की फिश है और ये पोटैटोज बहुत मजे के हैं। पहले मुझे लगा शायद ना ये क्रिस्पी होंगे, लेकिन मैंने कहा ये तो बॉयल्ड है, लेकिन कितने मजे के हैं। राइस और ये भी हैं राइस, काफ़ी सारी ड्रिंक्स हैं और सारा इन्होंने इंतजाम किया। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं दूसरे मुल्क आई हूँ, मुझे मुझे तो एक दो हफ्ते बाद फील होगा। हाँ जी बिल्कुल 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 सही कह रही हैं। फाइनली आई एम इन माई रूम, ये एक्चुअली मेरा रूम नहीं है बट मुझे आज की रात इधर गुजारनी है और इट्स बिगर देन माई एक्सपेक्टेशंस। लेट मी गिव यू अ शॉर्ट रूम टूर। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक रात रहना है, मेरी अकोमोडेशन कहीं और हुई है, बस मुझे यहाँ पे इसलिए लेकर आए थे ताकि मुझे होम सिकनेस ना हो आते साथ ही मेरा एक अच्छा सा इस्तकबाल हो। बहुत अच्छा लंच करवाया मुझे। यहाँ से एंटर होते हैं, नीचे कारपेटेड है और नीचे फ्लोर है पूरा, और जो है ना इसके नीचे हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये डबल बेड है, ये मेरा सामान इन्होंने रख दिया है, इनका खोलना है खोलो, नहीं खोला ना खोलो। और यहाँ पर सोफ़ा है, यहाँ पर न्यू मेट्रेस है और तकिया है जो कि मैंने यूज़ नहीं करना, मैंने इसे एक सर के नीचे रख लिया। और ये लाइट्स हैं और यहाँ से विंडो मेन गेट का एक्सेस है और ये कर्टन्स लगे हुए हैं, ये भी गेट है और यहाँ से बाहर निकलने का गेट है। और ये विंडोज़ हैं जिनको हमने हटाना नहीं है, इनको हटाएं ना तो वो, ये देखिए सारी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर। खैर ना मुझे जागते हुए तकरीबन मोर देन 24 आवर्स हो गए हैं, तो मेरी आंखें ना वो सब कह रहे थे कि बस कर दो जाके सो जाओ, तुम तुम्हारी आंखों से लग रहा है तुम बहुत थक चुकी हो। तो मुझे थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं सबसे पहले वजू करती हूँ, दोनों फ्रेंड शुक्राने के नफल पढ़ती हूँ कि मैं खड़े खड़े से पहुँच गई हूँ, कोई मसला मसाइल पेश नहीं आया।